बायोडाटा मुझे दे दो, मैं मैनेजर को दे दूंगा। वो देखो, नौकरी की तलाश में आए कितने इंजीनियर्स ने मुझे बायोडाटा दे रखा है। तो आपने इंजीनियरिंग की, पर हम तो नए लोगों को अभी नहीं ले रहे हैं। हमें तो सिर्फ ट्रेन्ड कुशल ग्रेजुएट्स की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप भारत सरकार की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के जरिए स्किल हासिल कीजिए और फिर आइए। लाखों शिक्षित युवा, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक और प्लस टू वोकेशनल पास कर चुके छात्र रोजगार के लिए तैयार हो जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, बोर्ड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से भविष्य में रोजगार पाने के लिए अब आवश्यक स्किल प्रदान करेंगे। 25,000 से ज्यादा सरकारी और निजी प्रतिष्ठान एक साल की स्किल ट्रेनिंग के लिए आपको स्टाइपेंड के साथ अप्रेंटिस के रूप में लेने के लिए तैयार है। एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के पूरा होने पर क्षेत्रीय बोर्ड्स भारत सरकार का प्रमाण पत्र जारी करेंगे और उसे आपका एक वर्ष का अनुभव माना जाएगा। आज ही लॉग ऑन कीजिए MHRD। हेलो दोस्तों, दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है, सबसे पहला थॉट जो आपके दिमाग में आता है वो है कि मुझे अब प्लेस होना है, मुझे अब जॉब करना है। ठीक है, अब जॉब करना है तो भाई उसके लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कोई भी कंपनी आपको फ्रेशर, एक फ्रेशर को अपने कंपनी में अप्लाई नहीं करने देती, अपना जॉब नहीं देने देती। आप जाओगे MIDC, अलग अलग MIDC जाओगे, अलग अलग कंपनी जाओगे, उसका सिक्योरिटी वाला बोलेगा कि मुझे दे दो अपना रिज्यूम और मैं पहुंचा दूंगा HR तक, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप रिज्यूम पे रिज्यूम अप्लाई करते रह जाते हो लेकिन आपको जॉब कोई नहीं देता, ये आपके साथ हुआ होगा। ठीक है, और ये 100% फैक्चुअल चीज़ है। अब जब आप फ्रेशर हो भाई, फ्रेशर को कोई जॉब ही नहीं देना चाहता, तो आप एक्सपीरियंस कैसे हो गए? और एक्सपीरियंस होने तक तो आपको कोई जॉब देने ही नहीं वाला। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जो है NATS, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। इसके तहत आप बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, जो भी उसके अंडर आती होगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एक साल तक आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस कंपनी में, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो स्कीम, वो पर्टिकुलर चीज़ में आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब वो काम कर, उस पर्टिकुलर एक साल तक जब आप काम करोगे विथ स्टाइफंड, आपको स्टाइफंड भी मिलेगा वो एक साल, वो एक साल जब आप काम करोगे जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एक साल का, वो आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब उससे होगा क्या, आपका फ्रेशर टैग हट जाएगा, आप एक्सपीरियंस कहलाओगे, एक साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, उसके बाद आपका स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को चाहिए क्या, आप एक्सपीरियंस रहे, आप स्किल्ड रहे, जॉब तो है हमारे पास। ठीक है, तो कैसे इसको भरना है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे, इस पोर्टल को, इसे बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा देखिए वीडियो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज अवर NAT पोर्टल। इसमें पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर लो पहले। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्योंकि मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी ट्रेनिंग HPCL में, दैट्स वाई। बट आपको स्टार्ट करने से पहले पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, और बिफोर दैट सी दिस लिंक, ये है NATS की लिंक। आप सेम टाइप कर सकते भी आ सकते हो, या इवन गूगल पे सिंपल NATS NATS टाइप करो, आ जाओगे आप। ठीक है, तो ये उसका फ्रंट पेज है। सो पहले रजिस्टर में जब आप जाओगे, पहले हम देख लेते क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट हो, मतलब इंडस्ट्री हो तो वो डालो, इंस्टीट्यूट हो तो वो डालो, बट आई एम अ स्टूडेंट। उसके बाद परमानेंट कहाँ के रहने वाले हो वो डाल दो। फिर अगर आपका इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीट डालो, नहीं तो लिविंग डालो। और किस चीज़ में करो, डिप्लोमा की हो या फिर ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मा, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें हैं इनमें से आप चूज करो। ठीक है, और देखो ईयर कोई भी 3 साल वो अलाउ करता है। ठीक है, 2020 जैसी रिजल्ट आ जाएगा वो 2017 हटा देगा। ठीक है, तो 2020 डालते हैं। उसके बाद रेगुलर पार्ट टाइम कैसे आपने पढ़ाई की है वो डाल दो। हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग, तो हाँ, यस, नो, जैसा भी है वो डाल दो।
ठीक है, अगर आपने ट्रेनिंग की हो पहले कोई कंपनी में तो डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस सीधे ऑफ 1 ईयर और मोर। अगर एक साल से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है, आप यस डालते हो तो सी आप एलिजिबल नहीं हो इस एप, ठीक है। और अगर आप नो करते हो, आपने कोई जॉब नहीं किया है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो, क्योंकि देखो मैंने बोला था ये फ्रेशर्स के लिए, ठीक है, तो कॉन्ग्रेट्स, यू आर एलिजिबल, ओके। अब उसके बाद आपको ये चीज़, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है, इसमें आधार कार्ड हो गया, आपका ईमेल आईडी चाहिए आपके पास पर्सनल, आपका मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें आपकी स्टाइफंड आई, ठीक है, और आपकी डिग्री की इंफॉर्मेशन, वो सब, ठीक है। अब आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आप इधर डाल के आप ओटीपी जनरेट करो, जैसे ही आप ओटीपी जनरेट करते हो उसके बाद मोबाइल नंबर आएगा, वो डालो और ओटीपी जनरेट कर दो, ठीक है, आपका ये डन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको एनरोलमेंट फॉर्म आ जाएगा। अब वो एनरोलमेंट फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें भरनी पड़ती हैं वो मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ, तो मेरा फॉर्म मैं देख ले दिखा दूंगा मैं आपको मेरा फॉर्म कि कैसा है। तो हम मेरी आईडी से पहले लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, तो इतना होप सो आपको समझ गया होगा, लॉगिन कर देते हैं मेरी आईडी से। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो, फर्स्ट आपका जो पेज आता है वो ये है, होम पेज, जिसमें आपकी प्रोफाइल आप जो भर चुके हो, ठीक है, वो यहाँ आएगी। जब आप किसी पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमें जो प्रोफाइल भरना था पहले, जो मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ, वो हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले लगती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल्स और आपकी ट्रेनिंग की प्रेफरेंस। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में पहले तो आपकी फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपका नाम, आपके फादर का, आपके मॉम का नाम, ठीक है, बर्थ डेट, आधार नंबर, आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, यू कैन सी आपकी कम्युनिटी, अगर आप डिसेबल हो वो, आपका कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका एड्रेस रहेगा, परमानेंट एड्रेस, ये आप सही से डालो क्योंकि ऑफर लेटर यहीं आएगा। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सही से डालो, बैंक इन्फॉर्मेशन सही से डालो क्योंकि स्टाइफंड, जैसे कि मैंने आपको बोला स्टाइफंड इसी में आएगा, ठीक है। एजुकेशन डिटेल की बात करूँ तो एजुकेशन डिटेल में ग्रेजुएशन, ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन है या फिर डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन है वो बताओ, आप अकॉर्डिंगली भरो, ठीक है। आपका यूनिवर्सिटी का जो एनरोलमेंट नंबर था वो आपको कॉलेज थ्रू मिल जाएगा या फिर आपके इवन मार्कशीट में भी रहता है तो आप उससे देख लो, कॉलेज का नाम, ठीक है, कौन सी ब्रांच थी आपकी, ईयर ऑफ पासिंग, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उस दिन, आपका मंथ ऑफ पासिंग, आपका सी जी पी ए कितना है या परसेंटेज कितना है अकॉर्डिंगली डाल दो, आपके कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रहे होंगे वो आपको डालना है यहाँ पे, जैसे मेरे जो थे वो मैंने डाला। आपने कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज अगर किए होंगे कुछ मंथ्स के लिए तो वो आप डाल दो, क्योंकि यार इंटरव्यू में क्वेश्चंस इसी पे आए, मुझे तो इसी पे ही आए, तो मे बी अगर अच्छा ही अगर आपने किए होगे तो कोर्स। अब एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन की जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा आपको, आपकी डिग्री, सॉरी आपकी मार्कशीट और आपका रिज्यूम। अगर आप रिज्यूम अपलोड नहीं करते हो अभी तो आगे क्या प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बता दूँ, पर रिज्यूम अपलोड यहाँ आप कर दे, ठीक है, जैसे आप करते हो तो फिर ट्रेनिंग प्रेफरेंस। अब ट्रेनिंग प्रेफरेंस में क्या है, ट्रेनिंग प्रेफरेंस में आपको किस टाइप की इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है आपको ट्रेनिंग करने के लिए वो आप डालना है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग, आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, तो ये सब आपको आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कायम है क्योंकि जब आप कोई इंडस्ट्री में जब जाओगे ट्रेनिंग के लिए तो ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देख के ही आपको अकॉर्डिंगली आप काम करोगे, ठीक है, बहुत सारे, तो आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। अब आपको किस स्टेट में, किस सिटी में ट्रेनिंग करना है वो आपकी चॉइस है, तो वो आप डाल सकते हो अकॉर्डिंगली। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है कि जो भी स्टेट में आप चूज कर रहे हो उसका जो इंडस्ट्रियल हब है वहीं आप डालो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
इवन आप ट्रेनिंग के बाद कहाँ काम करना चाहते हो वो भी आपको डालना है दो स्टेट में। तो बस द फॉर्म इज फिल, ठीक है, ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, आपके बाद लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन हमने कर दिया है, लॉग इन करने के बाद अब आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सी, पहला तो जो मैंने किया था कि मेरा कोई पहचान का था बंदा पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो मैंने उसको अपना रिज्यूम दे दिया था, ठीक है। अब रिज्यूम देने के बाद ऐसे हजारों लड़के आए थे जिन्होंने रिज्यूम दिए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले यही चीज़ देखी कि नेट में मेरा प्रोफाइल है क्या, और उस अकॉर्डिंगली ही मुझे जज किया गया, ठीक है। तो वैसे अगर आप वैसे कर सकते हो तो वो भी सही है। दूसरी बात, यहाँ से एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, इसमें जाके इसमें आप चले गए, इससे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ इसलिए मुझे थोड़ा डिफरेंट है दिखेगा, बट आपके पेज पे आप सीधा क्लिक हियर टू अप्लाई टू एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। सी नाउ, अब इसमें क्या होगा, प्रेफरेंस, आपकी एजुकेशन डिटेल्स वो डाल दो, क्या हो, सैंडविच ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, जो भी है वो डाल दो, कौन सी ब्रांच थी आपकी वो डाल दो, आपका सेक्टर, आप जिस सेक्टर में काम करना चाहते हो, सेंट्रल में, स्टेट में, प्राइवेट में, वो डाल दो, रीजन आपको कहाँ काम करना है, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर रीजन का डालना, जैसे वेस्ट में मुंबई हो गया, तो अकॉर्डिंगली स्टेट जहाँ आप काम करना चाहते हो, ठीक है, जहाँ आप रहते हो वो नहीं डालना है आपको, जहाँ आप काम करना चाहते हो वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट जहाँ काम करना चाहते हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, ठीक है। अब ये जो लास्ट है, चूज योर एस्टैब्लिशमेंट और ये इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये आप छोड़ दीजिएगा, इसका कोई काम नहीं है, ये अपना नहीं है, तो आप इसे छोड़ दो और सीधा सर्च करना। तो सर्च आप जैसे ही करते हो तो उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर सेक्टर वाइज कंपनी के लिस्ट आ जाएगी और अकॉर्डिंगली आप चूज करके अप्लाई कर सकते हो। उसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो लिस्ट आएगी उसमें जो भी आपकी कंपनी है, जैसे HPCL होगा, BPCL होगा, जो भी होगी, उसमें आप क्लिक करोगे तो उसमें लिख के आएगा कि OBC के लिए कितनी सीट्स है या SC के लिए कितनी है, जो भी है, ठीक है, ओपन के लिए कितनी, तो अकॉर्डिंगली आपको आगे का समझ ही जाएगा, ठीक है। आप उसमें डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन आता है, आप अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन अगर आप रिज्यूम अपलोड नहीं करते हो तो आप ये सबसे पहले पूछेगा आपको कि यू हैव टू अपलोड योर रिज्यूम, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा नेट्स का पोर्टल, काफ़ी इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, और वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आप उसमें टेंशन मत लेना, एक हफ्ता वैसे तो मिनिमम लगता है, बट मैक्स टू मैक्स आप सोच सकते हो, गवर्नमेंट साइट है और काफ़ी बड़ी साइट है, काफ़ी स्टूडेंट है जो अप्लाई करते हैं, तो वेरिफिकेशन का ऑब्वियसली बात है टाइम लगता है, ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना। तो ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है गवर्नमेंट कि ये अगर जो बच्चा फ्रेशर है उसे इस बात का स्ट्रेस है कि यार मुझे जॉब नहीं लग रही है, मुझे, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे एक्सपीरियंस होना है, मुझे स्किल बनना है, स्किल बनना है, तो उसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और ऐसी वीडियो बनाते रहिए। सो थैंक यू।